वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया और उस समय को याद किया जब वो रतन टाटा से मिलते थे, उनसे चर्चा करते थे। उन्होंने कहा कि श्री रतन टाटा जी के साथ मेरी अनगिनत मुलाकातें याद हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मैं उनसे अक्सर मिलता था, हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे, मुझे उनके विचार बहुत उपयोगी लगे। दिल्ली आने पर भी ये मुलाकातें जारी रहीं। उनके निधन से मुझे बहुत दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है किससे कि उनकी कब कब मुलाकातें हुई और उन्होंने हर किसी के जीवन में अमिट छाप छोड़ी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि श्री रतन टाटा जी का सबसे अनोखा पहलू था बड़े सपने देखने और दूसरों को कुछ देने का उनका जुनून। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और एक ऐसे व्यक्ति जो कि साधारण जीवन जीते थे, दूसरों को प्रेरित करते थे और देश ने एक अनमोल रतन को खो दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, तस्वीरें भी साझा की है। पीएम ने रतन टाटा के बारे में कुछ और बातें कही। उन्होंने कहा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा, एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने, सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और टाटा समूह को बुलंदियों तक तो पहुंचाया ही, साथ ही आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया। वो लोगों के लिए एक मार्गदर्शक थे, रोल मॉडल थे और जो उनका समाज के प्रति समर्पण था उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे बिजनेसमैन बहुत कम होते हैं और उनका जीवन हमेशा से आदर्श रहेगा। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, हम चर्चा